गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं इसको शेयर करने वाली हूँ। इस स्क्रिप्टिंग के बारे में, वैसे तो एक्चुअली लिखना, किसी भी चीज के बारे में लिखना, उसको सोच के और वही फील करके लिखना, इट्स जस्ट अ स्क्रिप्टिंग। बट इसके लिए भी कुछ कुछ रूल्स हैं, ये पहले मुझे पता नहीं थे, बट जब मुझे पता चला तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी स्क्रिप्टिंग में जान लाते हैं, उसको रियलिटी बनाते हैं। क्योंकि लिखते तो सब कुछ है, कई लोग बोलते हैं कि हम तो इतने सालों से इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं तो वो क्यों नहीं सच होती है। एक्चुअली उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट लिख रहे हो, उसके पीछे आपके बिलीव क्या है, आप जब लिख रहे थे तब वाइब्रेशन कैसे थे, ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। ये पहले हो सकता है आपको पता ना हो, इसीलिए वो सच नहीं हो रहा हो। बट आज के वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाए, कि स्क्रिप्टिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और तीसरा इससे क्या फायदे होते हैं। और फिर अगर ये वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो मैं लास्ट में यही बताऊंगी कि क्या लिखना चाहिए। मेरे लवर्स बहुत ज़्यादा नॉइज कर रहे हैं, बट उनकी आवाज़ भी मुझे अच्छी लगती है और उनको यहाँ से अलग करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आपको उनकी आवाज़ को भी बीच बीच में सुनना पड़ेगा। अगर आपको पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है, आई होप आपको पसंद होगी और होनी भी चाहिए। प्रकृति से हमेशा जुड़े रहो, एक मेंटल पीस फील होती है। चलिए उस बात को छोड़ते हैं और हम स्क्रिप्टिंग पे आते हैं कि स्क्रिप्टिंग कब करना चाहिए। ये मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय जेरी एंड ईस्टर, इसकी बुक से मैंने आज पढ़ा तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग मतलब होता है लिखना किसी भी चीज को, ऐसी डायरी में या जो आपके पास हो नोटबुक, उसमें हमको जो लिखना रहता है उसको हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं। तो स्क्रिप्टिंग कब करना चाहिए, तो इसके लिए आपको ये तीन पॉइंट हमेशा याद रखने चाहिए। पहली बात तो कि व्हेन यू फीलिंग गुड, जब आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो तभी आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। और अपनी लाइफ में एडिंग स्पेसिफिक थिंग्स इन योर लाइफ टू एक्सपीरियंस, मतलब जब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो और कुछ नई चीज आप या कोई स्पेसिफिक चीज अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, उसको रियलिटी बनाना चाहते हो, तब आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज फीलिंग गुड, कभी भी आप उदास हो, नेगेटिव फील कर रहे हो, तब ये कुछ भी टेक्निक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे वाइब्रेशन अच्छे नहीं रहते। उसको आप मूड को ठीक करने के लिए भी बहुत सारे उपाय इब्राहिम हिक्स ने बताए, कुछ नहीं तो आप, मैं जो बात करती हूँ, वॉक कर लो। नेचर के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी ही आती है। दूसरी बात, बॉडी में ऑक्सीजन की इनहेलिंग अच्छे से होती है, तो बॉडी में जब मूवमेंट होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे होने से हमारे अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होते हैं, और सेरोटोनिन जो गुड हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू होता है, तो हमें ऑब्वियसली अच्छी फीलिंग आने लगती है। तो इसके और इसके भी कई और भी उपाय हैं, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हो या आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हो। पर जब आप बैड मूड में हो तो मेडिटेशन में बैठने का कई बार मन नहीं होता है, तो सबसे अच्छा जो है वो वॉक करिए, ये मुझे भी पसंद है। तो अगर आपको बैड मूड लग रहा है और आपको उसी समय इच्छा हो रही है स्क्रिप्टिंग करना है या कुछ तो ऐसा करना है जिससे मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए, मैं अब इस लाइफ को जीना ही नहीं चाहती हूँ, तो जब इस तरह की फीलिंग आए तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। कि क्योंकि अगर आप नेगेटिविटी से लिख रहे हो तो आप बहुत जल्दी उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, आपको पहले तो फीलिंग गुड, मूड को अपना अच्छा रखना पड़ेगा। तो आपके पास जितनी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ तो अच्छी चीज़ें सभी के पास होती हैं, तो आप वो कर सकते हो और उन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए, और कुछ मूवमेंट, कुछ अच्छी मेमोरी को याद कर सकते हो। अगर उस समय वो भी नहीं करने की इच्छा हो रही है तो आप वॉक ले लीजिए, घर में ले लीजिए, टेरेस पे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, वो वॉक से आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके पास कुछ अच्छे बुक्स है, ये बुक्स तो सच में ऐसा लगता है गॉड की गिफ्ट है। जब मैंने इसको पढ़ा, कभी भी पढ़ लो आप, कैसे भी मूड में हो, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग सी
शक्ति आने लगती है अंदर कि सब कुछ पॉसिबल है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की बुक तो आप जरूर रखिए, आपको जो बुक आपको रिलेट करती हो वो रखिए। क्योंकि देखो, हमने फिजिकल वर्ल्ड के एजुकेशन की बहुत सारी बुक्स पढ़ ली और एक सर्टन टाइम तक वो ठीक भी लगता है, बट उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो आपको चाहिए रहती, क्योंकि एक एवरेज ग्रोथ से हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जैसे पेड़ देखिए, पेड़ की एक लिमिट है बढ़ने की, तो वो कभी अपने आप को रोकता नहीं है, वो जितना बढ़ सकता है उतना बढ़ने की कोशिश करता है और बढ़ता है। वैसे ही हम भी इसी एनवायरनमेंट के ही तो एक प्रोडक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा, हमारा दिमाग कितना एडवांस बना है कि हम हमेशा ग्रोथ के लिए अंदर से तिल मिलाते रहते हैं, बट हमको कोई चीज़ नहीं मिलती है कि जो हमको रास्ता दिखाए। हमारे आसपास ऐसे सक्सेसफुल लोग नहीं। सबसे बुरी बात तो यही है कि 98% लोग जो हैं वो इसी तरह के एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, जो 2% है वो बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में जीते हैं, सारी धन दौलत उनके पास ही रहता है, बाकी जो छोटा सा अमाउंट है उसमें इतने सारे लोग सरवाइव कर रहे होते हैं। तो उससे निकलने का कहीं रास्ता मिलता है, हमको झटपटाते रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही उस चीज़ को आपको अकम्प्लिश करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसीलिए आजकल लाइफ कोच का होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है अगर जो जो भी ऐसे काम कर रहे हैं लोगों की लाइफ को बदलने का, इनक्रेडिबल। मैं उन सब वीडियो को खुद भी देखती हूँ और जितना मुझे समझ में आता है कि हाँ मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। तो अभी इस चीज़ पे नहीं जाते हैं, हम वापस उस पे आते हैं, क्योंकि हर वीडियो मेरा कितना भी छोटा करो बड़ा ही बन जाता है, बट इसको मैं बहुत और छोटा करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला तो यही है कि जब आप अच्छा फील करो तब लिखना चाहिए। दूसरा, कोई स्पेसिफिक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करना चाहो, उसका एक्सपीरियंस लेना चाहो, तब लिखना चाहिए। दूसरा है थ्रिल, अपने अंदर वो थ्रिल की फीलिंग आनी चाहिए कि, और वो उस चीज़ को पहचानो, आइडेंटिफिकेशन की, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ। वो आइडेंटिफिकेशन जब हम उस चीज़ को कर लेते हैं ना कि हाँ ये डिज़ायर है मेरी, और उसके बारे में एक एक डिटेल के बारे में जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, तब ये चीज़ लिखना चाहिए। और ये भी देखना चाहते कि यूनिवर्स कैसे इन सब चीज़ों को मेरी लाइफ में ला रहा है या ला चुका है। ये सब चीज़ों को जब आप करना चाहो, ऐसा फील करो, तब आपको स्क्रिप्टिंग करना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने फोकस, मतलब किसी थॉट, स्पेसिफिक थॉट के फोकस को आप एक्सपीरियंस करना चाहो डिलिबरेटली, मतलब जानबूझ के आप अपने किसी स्पेसिफिक सोच के फोकस को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहो या उसके पावर को एक्सपीरियंस करना चाहो, तब आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो या करना चाहिए। क्योंकि स्टेज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, बोलते हैं ना पावर पोजीशन होनी चाहिए, और उस समय जब आप जो लिख रहे होते हो एक एक शब्द में जादू होता है, और वो आज नहीं तो कल आपकी रियलिटी बन जाता है। तो स्क्रिप्टिंग करने से पहले ये तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो अभी मैंने बताई। उसके बाद में है अब कि इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका सेट पॉइंट, जो इमोशन का सेट पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए। वो होना चाहिए पैशन, और दूसरा है होपफुलनेस। जब हम किसी चीज़ के लिए पैशनेट रहते हैं तो हमारा जो इमोशनल ऑलमोस्ट वैसा ही होना चाहिए। और दूसरा होपफुल, हमें आशावादी होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए कि ये चीज़ आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा है हाउ, कैसे करना चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग के फायदे क्या हैं ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि कैसे आपको लिखना चाहिए। तो स्क्रिप्टिंग से फ़ायदा क्या होता है। स्क्रिप्टिंग से फ़ायदा ये होता है कि जब हम लिखते हैं तो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, और जो है स्पीड, मैनिफेस्टेशन की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि आप जो अभी नॉर्मल चीज़ें देख रहे हो उसकी जो थिंकिंग पैटर्न है या थिंकिंग हैबिट्स है उसको हम तोड़ देते हैं। वो हेल्प करता है, वो जो मोनोटोनस लाइफ होती है ना उसको हम वैसी हैबिट और वही सोच रहे होते हैं, उसको तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है स्क्रिप्टिंग। जब आप लिखना शुरू करते हो तो उसकी इमेजिनेशन में वो लाइफ ऑलरेडी आप जी रहे होते हो, और ये धीरे धीरे इतना ओवरपावर हो जाता है कि आपकी रियलिटी में आप जो कर रहे होते हो वो सारी चीज़ें
झूठी होने लगती हैं, वो हैबिट्स आपकी टूटने लगती हैं। तो स्क्रिप्टिंग से यह दूसरा बहुत अच्छा फायदा होता है कि आपकी जो मोनोटोनस हैबिट्स है करंट लाइफ की, उसको तोड़ने में ये बहुत मदद करती है स्क्रिप्टिंग। और तीसरा जो है ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो भी डिज़ायर है, फुलफिल्ड डिज़ायर है, उसके वाइब्रेशन को ये प्रोवाइड करती है। ये सबसे अच्छा फायदा है कि आप वो वाइब्रेशन ऑफर्स ऑफर करने लगते हो, यूनिवर्स में भेजने लगते हो। और ये तो लॉ है, जैसे ही वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगे, सेम उसकी इक्विवेलेंट चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। और इसको आप पहले दिन से एक्सपीरियंस करके देखिए। मैंने तो इसको कई बार एक्सपीरियंस किया, हालांकि मेरी तो पूरी लाइफ इसकी वजह से चेंज हो गई है। फीलिंग सच में इतनी अच्छी आती है, आप यकीन नहीं मानोगे। आप जो भी काम कर रहे होते हो, पहले भी कर रहे होते हैं, बट पहले कहीं ना कहीं स्कैरसिटी रहती है या प्रेशर रहता है, आज ही काम करना है, आज ऐसा होना है, तो ये सब चीज़ें तो करोगे आप, बट इसके पीछे की जो एक फीलिंग रहती है ना, गुडनेस, या आई एम द बेस्ट, आई एम ड्रिवन बाय गॉड, या ये जो चीज़ें रहती है ना कि मेरे हर इशू को कौन देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, गॉड देख रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे वहाँ प्रेजेंट होना है, मुझे एक फॉर्मेलिटी करना है, बाकी सब कुछ जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। और जब ये फीलिंग अपने अंदर आ जाती है कि गॉड इज विथ अस, गॉड हमारे साथ है, तो कौन हमारे अगेंस्ट जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स अपने आप दिमाग में आती जाती है, और सच में लाइफ को जीने का मजा ही आने लगता है। तो ये जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो वाइब्रेशन आपके ऑफर हो जाते हैं यूनिवर्स में, और उसके बाद आपको रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में गए हैं तो वो वापस आएंगे ही आएंगे, मल्टीप्लाई होके आएंगे। आपने एक चीज़ मांगी है, उसके इक्विवेलेंट 10 चीज़ें आपको मिलेंगी। आप किसी को 10 रुपये दान कीजिए विथ ब्लेसिंग्स, आपके पास 1000 गुना बढ़ के आता है, 1000 रुपये आते कहाँ से आते हैं इसके बारे में नहीं सोचना है, यूनिवर्स अपने आप ही अरेंज करता है ये सब चीज़ें। और मैंने कल एक इमेजिनेशन की स्टोरी भी शेयर की है, आप देखिए कि कैसे यूनिवर्स काम करता है। आप जैसी शर्त रखोगे वैसे ही करेगा। उन्होंने यही शर्त रखी थी कि मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी, या नहीं हमने दिया और पूरा सब कुछ हमारा सपना तैयार हो गया, तो देखिए 1 पैसा दिए बिना भी उनकी पूरी बिल्डिंग बन गई। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। और वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे स्क्रिप्टिंग करना है, उसके पहले कब करना है और उसके फ़ायदे क्या है, वो इस वीडियो में आप अच्छे से जान चुके हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा। अब सिर्फ लास्ट बचा है कि कैसे करना है, तो इसको मैं खुद एग्जांपल में करके और बताऊंगी, जो मेरे खुद के ओन एक्सपीरियंस है या जैसा मैं लिखती हूँ वैसा तो ज़रूर बताऊंगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब